एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसीना लाइफ स्टाइल। और आज कोई मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही, आज मैं कुछ ऐसा वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद शायद आप लोगों के बचपन में भी कुछ इस तरीके से होता होगा, तो आपके भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। ऐसा कोई रीज़न नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बट मुझे लगा, स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि इससे मेरे बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई थी और इमोशनली कह सकते हैं, मतलब टच थी मैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं रोक नहीं पाई खुद को और मैं सोचा कि चलो फटाक से बनाया और शूट करना शुरू कर दी। तो आई होप सो आप सबको अच्छी लगे वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सबको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहाँ भी मुझे बहुत सारा प्यार थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम ऐसी मोहब्बत के साथ दिल मिल रहे हैं हम लोगों के, हैं जी, हम सब एक ही गली के, पूरी बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। तू रुक बे, तेरे पे आता हूँ। गली बहुत लंबी भाई, वो गली बहुत लंबी भाई, जो आओ यार आगे को बढ़ो। ये है चिकन कोरमा, लेकिन हम लेंगे खीर। विंजर्स है, हमारे भाई हैं, वो मुस्तफाबाद से बिलोंग करते हैं। और वहाँ का कल्चर, मतलब वहाँ का माहौल उन्होंने दिखाया कि पूरी गली ईद वाले दिन एक दूसरे के यहाँ जा कर के सेवैयाँ खाती है, खीर खाती है, जो भी बना हुआ रहता है उनके यहाँ पे वो बाहर गेट के बाहर लगा देते हैं दस्तखान पे। और सब एक दूसरे के यहाँ से जा कर, मतलब गले मिलना और खाना, तो ये एक अपने आप में ही एक अलग ही खुशी वाली बात होती है। ईद वाले दिन क्या होता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बाँटते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज के जनरेशन ने खो दिया है, मिस कर दिया है आज के जनरेशन ने। ये पुराने समय में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें होती थी और अभी भी बहुत सारी जगह पे होती हैं, लेकिन बहुत ही सेवेंजर्स ने जिस तरीके से ये चीज़ दिखाई है, आई होप उसको देख करके बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईद पे उस तरीके से करने की कोशिश करें और उसी तरीके से ईद मनाने की कोशिश करें, क्योंकि वैसी ईद से ही इंसान को, मतलब सच में खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। और वाकई, मतलब मैं तो मेरी देखने के बाद मेरी तो पुरानी याद ताज़ा होगी, मेरी बचपन की यादें ताज़ा होगी। बचपन में भी इसी तरीके से ईद होती थी मेरे यहाँ पे, बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता था। पापा आते थे नमाज़ पढ़ के, बहुत सारे लोगों को, जमातियों को ले करके, सबको सिवाई खाना है, कुछ ना कुछ, मतलब जो भी आइटम कह सकते हैं कि उस टाइम में खाने के जो आइटम्स होते थे वो कम होते थे, लेकिन खाने वालों की तादाद ज़्यादा होती थी। और अभी के दौर में मैं बता सकती हूँ कि खाने के आइटम में तब्दीली हो गई है, बहुत सारे आइटम लोग बनाते हैं घर पे, लेकिन खाने वाले की कमी होती है। तो वो चीज़ एक मिसिंग पार्ट होता है, एक गिने चुने लोग आते हैं जिनको हम बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, बस मेरे दिल में जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने ईद हो या फिर जो नॉन मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, दिवाली हो, तो इस चीज़ को फॉलो करिए और मतलब ऐसा ही एक माहौल बनाइए कि आप अपने मोहल्ले वालों से टच होइए, जिनको आप जानते हैं। मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको हम नहीं भी जानते, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा कि आप गली में अपने दस्तरखान लगाइए और सबको बुलाइए, सब एक दूसरे के यहाँ जाए, थोड़ा थोड़ा ही खाए, लेकिन वो खुश होकर खाए और एक दूसरे से मिले, तो वो जो माहौल होगा ना, वो एक अलग ही खुशनुमा माहौल होगा और देखिएगा कि आपको भी दिल से खुशी होगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट जब दिवाली आएगी तो आप लोग दिवाली पर भी इसी तरीके से करने की कोशिश करिए और देखिए आप अपने मोहल्ले वाले से, अपने पड़ोसियों से, ये मत देखिए कि वो हमारे बराबरी के हैं कि नहीं, बड़े हो छोटे हो, पैसे में रुपये में, कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि फेस्टिवल सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। तो ये मोहल्ले वालों के साथ अटैच होइए ज़्यादा से ज़्यादा, करिए एक दो घंटा मोहल्ले वालों के लिए निकालिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की ईद में मैं भी कोशिश करूँगी इस तरीके से करने की। बहरहाल गली वाला जो सीन होता है वो जेंट्स के लिए ज़्यादा होता है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी करने के लिए।
पुराने समय में किया जाता था, उन्होंने वही दौर अभी तक फॉलो किया है और वही ट्रेंड अपने मोहल्ले में चला रहे हैं। तो मतलब सच में वो चीज़ बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और कौन कौन अपने बचपन की याद उसको मिस कर रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपनी बचपन की ईद को। तो आई होप आप सब बोर नहीं हुए होंगे मेरी बातों से, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। मेरे दिल में जो आता है मैं वो बोल जाती हूँ, स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और लिखी हुई बातें जो होती है ना वो अलग ही होती है, और जो दिल की बात होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैंने ज़्यादा बोर किया तो प्लीज़ माजरत चाहूँगी, माफ़ कर दीजिएगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।